दोस्तों, अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जल्दी भारत के सबसे धमाकेदार लीग यानी कि आईपीएल का दूसरा चरण शुरू होने वाला है, जिसके लिए सभी टीमों ने जमकर अभ्यास करना शुरू कर दिया है। इस बीच आईपीएल की दो सबसे घातक टीम मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स में एक बड़ा ही अनोखा और दिलचस्प प्रैक्टिस मुकाबला देखने को मिला है, जिसमें दोनों ही टीम के खिलाड़ियों ने धुआंधार प्रदर्शन करके सभी टीमों के खिलाड़ियों के होश उड़ा दिए। तो चलिए दोस्तों, बताते हैं आपको इस मुकाबले के बारे में। लेकिन उससे पहले, आप सभी को क्या लगता है, चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस में से कौन बेहतरीन टीम है? नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, आईपीएल के दूसरे चरण की शुरुआत अब जल्दी शुरू होने वाली है। महज चंद दिन रह गए हैं इस धमाकेदार दूसरे चरण के शुरू होने में। बता दें, आईपीएल के शुरू होने से पहले सभी टीमों ने जमकर अभ्यास करना शुरू कर दिया है। जहां कई टीमें आपस में इंट्रा स्क्वाड मैच खेल रही है, वहीं से भी चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस है दो ऐसी टीमें जो अपनी टीम के साथ साथ एक दूसरे के साथ भी एक के बाद एक लगातार जबरदस्त प्रैक्टिस मुकाबले खेल रही है। बता दें, हाल ही में इन दोनों के बीच एक बड़ा मुकाबला देखने को मिला। बता दें, चेन्नई सुपर किंग्स के जितने भी खिलाड़ी मौजूद है दुबई में मौजूद है। उन्होंने अपनी 11 सदस्यों की एक टीम बनाई, जिसकी कमान संभालते ही नजर आए चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी। इनकी टीम में सुरेश रैना, ऋतुराज गायकवाड़, अंबाती रायडू और दीपक चाहर जैसे धुरंधर खिलाड़ी मौजूद थे। वहीं मुंबई इंडियंस की टीम में भी शानदार 11 खिलाड़ियों से सजी टीम को मैदान पर उतारा, जिसकी कमान संभालते हुए नजर आए हार्दिक पांड्या। बता दे, मुंबई इंडियंस में हार्दिक पांड्या, करुणाल पांड्या, जिमी निशम और ट्रेंट बोल्ट और ईशान किशन, ये दोनों ही टीम काफी ज्यादा घातक नजर आ रही थी। बता दे, मुंबई इंडियंस ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। उनके ओर से सलामी बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे ईशान किशन और सौरभ तिवारी। चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से महेंद्र सिंह धोनी ने पहला ओवर डालने के लिए गेंद दीपक चाहर के हाथों में थमा दी। उन्होंने पहली गेंद पर सौरभ तिवारी को बोल्ड आउट करके सभी खिलाड़ियों को आश्चर्यचकित कर दिया, क्योंकि उनके लहराते हुए गेंद को सौरभ तिवारी बिल्कुल भी नहीं पढ़ सके। लेकिन अभी भी उनकी समस्या कुछ हद तक कम नहीं हुई थी, क्योंकि क्रीज पर ईशान किशन और हार्दिक पांड्या जैसे धुआंधार बल्लेबाज मौजूद थे। इन दोनों ही बल्लेबाजों के शुरुआती झटके का कोई असर नहीं पड़ा और उन्होंने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। इन्होंने एक के बाद एक सीएसके के गेंदबाजों की जमकर पिटाई लगाई। बता दें, हार्दिक पांड्या ने तो इतनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी का प्रदर्शन करके दिखाया जिसकी कल्पना तो किसी भी खिलाड़ी ने नहीं की होगी। यहां तक कि उन्होंने चेन्नई सुपर किंग के गेंदबाज कृष्णप्पा गौतम के एक ओवर में 4 लगातार छक्के जड़कर चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को परेशानी में डाल दिया था कि आखिरकार वो किस गेंदबाज को गेंद थमाई जाए जो अपने स्टिक गेंदबाजी से मुंबई इंडियंस की इस तूफानी पारी को रोक लगा सके। लेकिन कोई भी गेंदबाज मुंबई इंडियंस के बल्लेबाजों के सामने कुछ खास प्रदर्शन करके नहीं दिखा रहा था। बता दें, मुंबई के बल्लेबाजों में धुआंधार बल्लेबाजी टीम के 184 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य बना डाला, जिसमें सर्वाधिक स्कोर बनाने वाले बल्लेबाज रहे हार्दिक पांड्या, जिन्होंने 36 गेंदों में 76 रनों की तूफानी पारी खेली। जब चेन्नई सुपर किंग्स से बल्लेबाज इस विशालकाय लक्ष्य का पीछा करने के लिए उतरे तो वह काफी शानदार लय में नजर आ रहे थे। बता दें, चेन्नई सुपर किंग्स से सलामी बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ और अंबाती रायडो ने टीम को बड़ी शानदार शुरुआत दिलाई। उन्होंने यहां तक की शुरुआत के 6 ओवर की पावर प्ले में 75 रन बटोर लिए थे। चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से सबसे शानदार बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे ऋतुराज गायकवाड़। लेकिन दोस्तों, मुंबई इंडियंस की गेंदबाजी ने तो बड़े शानदार वापसी करके चेन्नई सुपर किंग्स को लगातार 2 झटके दिए, और ये 2 झटके मुंबई इंडियंस के तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट ने ही उन्हें दिए। पहले अंबाती रायडू, फिर उसके बाद सुरेश रैना को बिना खाता खोले ही पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। लेकिन दोस्तों, उसके बाद जो मैदान पर हुआ वो तो देखने लायक वाक्य। जब चेन्नई के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने ऋतुराज गायकवाड़ के साथ मिलकर एक बड़ी धमाकेदार साझेदारी करी और 184 के लक्ष्य को आखिरी ओवर में ही हासिल कर लिया। बता दे, ऋतुराज गायकवाड़ ने इस मुकाबले में 45 गेंद खेलकर 71 रनों की शानदार पारी खेली, और वह इनका साथ दिया सीएसके के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने, जिन्होंने 36 गेंदों में 66 रनों की धमाकेदार पारी खेली और उन्होंने ये प्रैक्टिस मुकाबला बड़ी आसानी से जीत लिया। दोस्तों, इन दोनों की टीमों की शानदार प्रदर्शन को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे ही ये दोनों टीमें आईपीएल में मुकाबला खेलने के लिए एक दूसरे के सामने उतरेंगी तो इन दोनों के बीच बड़ी कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। लेकिन आप सभी को क्या लगता है, इस साल का आईपीएल कौन सी टीम जीतेगी? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और ऐसी खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।